हेलो जी, नमस्ते। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। और अभी व्लॉग की स्टार्टिंग की है तो शाम के 6:30 बजे का टाइम हो रखा है। तो भाई ये टाइम है खाना बनाने का, तो भाई चलिए अब किचन में चलेंगे। और ये पीछे मेरा मनी प्लांट देखो भी कितना अच्छा हो रखा है यहाँ पर। और अभी दक्ष लेके आया है पनीर, और इसने फरमाइश कर रखी, इसने और इसके पापा ने कि शाही पनीर बनाया जाए, तो भी अब इनकी फरमाइश मेरे को पूरी करनी पड़ेगी। वैसे तो मेरा दाल बनाने का मन कर रहा था, क्योंकि पूरे दिन आज सफाई करी थी तो थोड़ी सी थकान सी लग रही है, पर अब इनकी फरमाइश होगी। और ले आकर रख भी दिया है कि भी पनीर और इतना बहुत है, 200 ग्राम, तीन हैं हम और तीनों के लिए बतेरा रहेगा ये। तो पापा जा रहे हैं भाई घूमने के लिए, कई दिन हो रखे हैं, बुधवार न गए थे और आज हो गया भाई सोमवार, तो एक दो दिन में और आएंगे। और अभी कर लेती हूँ मैं इसकी तैयारी, पहले प्याज और टमाटर कट कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद वो ठंडे हो जाएंगे, तब तक मैं आटा वगैरह लगा लूँ, दूध गर्म कर लूँ। और अभी हमने पिया था भाई जूस निकाल कर, तो अभी तो कुछ खाने पीने की वो है नहीं, 9 बज जाओगे रोटी बनाते और खाते। और अभी दूध गर्म करने के लिए अभी रख देती हूँ, दूध गर्म हो जाओगा। और जब तक मैं कर लेती हूँ प्याज और टमाटर रफली से कट करके, तो फिर उसमें डाल दूँगी। और जो ये मौसमी है, ये वाला एक गिलास, ये वाला गिलास भर है भाई। अब मौसमी में पता नहीं जूस कम निकला है या क्या चक्कर है, तो ये वाला है मीडियम साइज़ में ही होगा, बस जो स्टील वाला गिलास होता है उस जितना इसमें जूस आया है। और 5 मौसमी इसमें डालनी पड़ा जब जा कर ये भरे हैं, और 2 गिलास जूस निकालना है और इतने सारी मौसमी कट करनी। वैसे मैं छीलती नहीं, ये फ़ायदा है इसमें बनाने का, न छीलने में और निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो भाई अब मैं तैयारी कर लूँ, और बच्चे अभी तब हम पटाखे छुटाने लग गए हमारे यहाँ है, अभी तो इतना टाइम है, दिवाली का भी 1 महीना। आज कितनी तारीख हो रखी है, 9 तारीख है शायद। तो भी अब पहला हम पटाखे छुटाने लग गए हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं पका लेती हूँ, हल्का सा सुनहरे हो चुके हैं प्याज, अब इसमें डाल देती हूँ टमाटर, हरी मिर्ची और 2-3 लहसुन की कलियाँ भी मैंने इसके अंदर ही डाल दी थी। थोड़ा सा इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया था, और थोड़ी सी इसमें 1 चुटकी के जितनी हल्दी डाल दी थी। और इसको थोड़ी देर पका लेते हैं, 5 मिनट में ही ये पक जाएगा, उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसकी बनाएँगे मिक्सी के जार में डालकर पीस के, बारीक सी इसका जो पेस्ट होगा, ग्रेवी जो होगी वो तैयार कर लेंगे इसमें पीस के। और ज़्यादा गर्म नहीं पीसनी चाहिए, टेस्ट बदल जाता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है शाही पनीर मसाला, थोड़े से घी में उसके अंदर डाली मोटी छलनी से छानकर ग्रेवी, और उसके बाद अच्छे से वो पक चुकी थी तब उसमें मैंने डाल दिया है पनीर और मलाई। और ये हो चुकी है हमारी शाही पनीर रेडी, और यहाँ पे बना रखा है बूंदी वाला रायता, और ये आटा लगा के रख रखा है। तो बस रोटी सेकनी बाकी है और टाइम हो रखा है, 8 बज चुके हैं, तो फटाफट अभी बना लेते रोटी। और अब अगले दिन की सुबह हो चुकी है, दक्ष को भेज दिया है अभी स्कूल, वो जा चुका है, उसका बना दिया था लंच। और अब मैं लग गई थी कपड़े धोने के लिए, सबसे पहले आज मैंने कपड़े ही धुलने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि अगर सुबह सुबह ये काम हो जाता है तो बड़ा हल्का हल्का सा लगता है, वरना पूरा दिन यूं ही फैला रहता है। तो मेरी कोशिश यही होती है ज़्यादातर, तो भी मैं सुबह के टाइम जल्दी ही लगा देती हूँ मशीन, दिन निकलता है तब तक धुल जाते हैं मेरे कपड़े, और ऐसा नहीं लगता कि भी आज ही धोए थे कपड़े, पूरा दिन ऐसा हल्का हल्का सा ही लगता रहा। वरना अगर लेट लगाते हो ना, पूरा दिन इन कपड़ों का काम ख़त्म होने वाला नहीं होता है। तो जो सुबह के टाइम में जल्दी काम हो जाते हैं ना, उनका पता नहीं लगता फिर पूरा दिन कि वो करे भी थे या नहीं। तो अब इसमें मैंने और पानी डाल के थोड़े से और कपड़े डाल दिए हैं, सबसे पहले लाइट कलर वाले और जो भी हल्के हल्के से कलर के कपड़े थे वो वाले धो दिए हैं। पूरी बड़ी मेरी मशीन है, 1.5 सारे इसमें कपड़े एक बार में आ जाते हैं, ये 8.5 किलो की है, तो आराम से इसमें 1.5 सारे कपड़े आ जाते हैं। तो आज तो मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए थे बहुत, कि बस
बेडशीट जो हमारे रूम में तो निकली थी वो वाले भी, पापा के रूम के भी, उनका एक बड़ा सा मोटा सा कंबल था वो कंबल भी, तो वो जा रखे हैं बाहर। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी उनकी कमरे की अच्छे से सफाई कर दूँ, जो भी बेडशीट वगैरह है वो धो दी है, और फिर अपने कमरे की भी धो दी थी, और 2-3 पर्दे निकले थे, सोफे के कवर, और पूछो मत कितने सारे कपड़े एक बार लग जाओ बस मशीन लगा दी तो इतने सारे ढेर लग जाता कपड़े निकालने का, बस पूछो ही मत। तो यहाँ पे अब मैं बाहर वाली जो पोर्शन है पहले उसकी सफाई कर देती हूँ, अंदर वाले की बाद में करूँगी। तो अभी तो यो जो गैलरी है यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ, और गली में लगा देती हूँ, पापा वाले रूम में यहाँ का कर देती हूँ पहले साफ़ सफाई। तो भी अगर कोई आता है तो बाहर से एकदम साफ़ सुथरा सा दिखाई देता है, और अंदर इतना ज़्यादा कुछ फैलता है भी है नहीं। वैसे तो भी डेली का झाड़ू पोछा होता ही है, तो अभी बस यहाँ पार वाला हिस्से है जो इसको करके साफ़, और फिर मैं नहा धो के बाद में करूँगी और जो भी बाकी काम है, क्योंकि अभी 7 बज चुके हैं और मेरे को पूजा भी करनी है। फिर एक बार ये हो जाता है ना कि ये काम कर लो वो काम कर लो, फिर तो ऐसा होता है भी सारा काम करने के बाद ही कुछ हो पाता है। तो इसीलिए अब पहले यहाँ का काम निपटा के और फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू, ना झाड़ू बोल रही हूँ, मैं करूँगी पूजा, और जो कपड़े हैं उनको बाद में खंगालूँगी, क्योंकि अब उनमें लग गई तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी ज्योत बत्ती करने में, और 10 बज जाएंगे, तो इसलिए मैंने वो काम अभी के लिए स्किप कर देती हूँ, बाद में करूँगी। और गली में भी थोड़ी थोड़ी है, मैंने इसी से झाड़ू लगा दी, अब लगाऊंगी जो बांस वाली झाड़ू होती है उससे लगा के। और फिर आ गई हूँ मैं मंदिर में ज्योत लगाने के लिए, अभी मैंने डाल ली थी बस, क्योंकि भाई अभी कपड़े खंगालने हैं तो वैसे ही हो जाते, अगर दूसरा वाला सूट डालती और प्रेस वगैरह करके पहनो इतनी मेहनत लग जाती है, तो मैंने सोचा कि दोबारा तो अभी चेंज करने हैं मेरे को कपड़े, अभी कपड़े धोऊंगी तो गीले हो जाएंगे वो वाले भी, तो मैंने यही डाल लिया। और अभी जो मंदिर है मैंने उसमें अपनी पूजा करनी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि भैया वो अभी ये श्राद्ध खत्म होने के बाद नवरात्रे स्टार्ट होंगे, तो मैं थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी यहाँ की, और तो उस हिसाब से अभी मैंने यहीं पे स्थापित कर रखी है अपनी माता रानी, और बाकी जो भी भगवान हैं सभी यहाँ पे स्थापित कर रखे, दूसरे एक चौकी लगा रखी है, तो मंदिर में अभी उनको नहीं बिठाया है, तो वो मैं करूँगी नवरात्रों में। और अभी आ गई थी ऊपर, तो भी वीडियो में थोड़ा सा उल्टा फुल्टा दिखाई दे जाता है, वरना मैं सीधे हाथ से ही काम करती हूँ, और सीधे हाथ की तरफ ही वैसे जैसे परिक्रमा कर। देखो भी यहाँ पर ऑर्गेनिक खाद मैंने रेडी कर रखी, जो भी सब्जी के जो छिलके वगैरह थे ना, और कई महीने तक इकट्ठे करके फिर इसमें भर रखे थे, और अभी ये निकाल के इसमें तो सुखा दी है, बारिश का पानी भी इसमें गया था, और ये खाद मेरी रेडी हो रखी है। ये जो मौसमी के छिलके इनकी भी खाद बनेगी, जूस तो पी लिया, भाई छिलके भी वेस्ट नहीं जाने देंगे अब, तो इनको सुखा कर उनकी खाद बना लेंगे, 2-3 महीने में ये भी रेडी हो जाएंगी, उसमें भी बहुत सारे मौसमी के छिलके और ये जिस तरह प्याज के छिलके सब्जी के छिलके सारे इसमें डाल देते सूख जाओगे, फिर एक उसमें भर कर रख देंगे। ये पौधे देखो, ये है, ये वाला है अजवाइन का, गैस के लिए अच्छा बताया गया है, और बिल्कुल ऐसी स्मेल आवे, इसका हाथ लगाओगे ना और बिल्कुल अजवाइन की स्मेल आवे है। और ये वो चमेली, हम गुलदावरी बोल रहे हैं, कल बहुत सारे फूल खिल रहे थे, और ये पता नहीं क्यों पीला पीला हो रखा, वैसे पानी बिल्कुल सूख रखा, कल नहीं दिया ना, याद नहीं रही, और सूख गया बिल्कुल। तो अब मैं इनमें पानी डाल देती हूँ, और ये जितने भी तुलसी माता के ये आ रखे ना, तो ये उतारना होता अभी, इनको भी हटाऊँगी, और इसमें भी फूल खिल रहे हैं, और पता नहीं पीले पीले क्यों हो रखे हैं, इसमें तो पानी भी है गिल्ला भी है, या तो फिर धूप में नहीं रखना, ये धूप भी तो बहुत तेज़ हो रही है ना, और ये भी तुलसी का ही है, और इसके भी ये उतारने पड़ेंगे। और ये यहाँ पे है सूखे हुए, भी पहले पानी दे देते सारे पौधों में, और ये मटकी वाला तो हो रखा सही, इसमें भी निकलेगी या नहीं निकलेगी पता नहीं, पर ये बेल सी चल पड़ी है इसकी, और धूप में ये भी देखो कैसे हो गए हैं,
वैसे तो भी छाया में रखने वाले हैं ये सारे, तो चलो भी देखो छाया में बिल्कुल अच्छी हो रखी है। और वो रख रखे मौसमी के छिलके निकाल कर जूस बनाया था तो नीचे ही रख रखी है। अब ऊपर आई थी पानी डालने के लिए, आऊँगी जब लेकर आऊँगी उन्हें इकट्ठे कर लेंगे। यहाँ पर धूम है और यहाँ ऊपर तक जा रखी है ये मनी प्लांट की और ये सिरगोनियम दोनों चीज़ों की। और ये इसमें भी लगा रखे छोटा सा कड़ी पत्ता और ये रखा है एक और प्लांट यहाँ पे। और ये कबाड़ी वाले के लिए निकाल कर रख रखा है, सफाई करी जब सामान थोड़ा सा तो ये भी देना मेरे को और कपड़े भी धो लेती हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर